अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतनों, दोस्तों मैं हूं इफ्तिखार इफी और आज मैं आपको अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का एक ख्वाब सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसे देश की ख्वाहिश मेरी काविश का हासिल है, एक ऐसे देश की ख्वाहिश मेरी काविश का हासिल है कि जिसका हर नफस आज़ाद हो, खुशहाल हो, जैसे कोई जन्नत का वासी हो। मुझे ऐसे चमन की आस है कि जिसके आंगन में अनादिल का बसेरा हो, नई शम्मे शिविस्तां की जहां सबको मयसर हो, नया मौसम गुलिस्तां का अबद से बिलमुशाफा हो, जमीन ऐसी कि जिसकी पारसा मट्टी की खुशबू से फजा मखमूर हो जाए, हवाएं महवे रक्सा हों, सबूही शर्म खाती हो। एक ऐसा आसमां दरकार है कि जिसके सीने में मुकद्दर जगमगाते हों, जहां चंदा की ठंडी छाओं में मजदूर के बच्चे खुशी के गीत गाते हों। एक ऐसी तर्ज इंसानी मुझे मतलूब है जिसको कलीसा मंदिरों मस्जिद के सारे मानने वाले दिलों से याद करते हों, खुशी से गुनगुनाते हों। एक ऐसे देश की ख्वाहिश मेरी काविश का हासिल है। दोस्तों आज़ादी 2020 आप सबको बहुत मुबारक हो। आज़ादी का ये जश्न ज़रूर मनाइए, लेकिन इस ख्याल के साथ कि किसी दूसरे की आज़ादी सलब ना हो। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।